आ गया जी खाना तुम लोगों का। दो मिनट सब्र करो, पहले आज हम देंगे असीलों को अपने। ये आ गया आ गया आ गया। सब्र इधर आओ इधर आओ इधर आओ। दो मिनट यार, ये दे। वो खाओ और ये इसके इसके काम देख के सारा बाजरा गिरा दिया यार। ये खाओ जो तुम लोगों के लिए रखी है मैंने भिगोई हुई रोटियाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम है काजिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल काजिम के बैठ। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यार बिल्कुल सीधा जो है ना सूरज है और आँखों में पड़ा है बिल्कुल जो है ना। अच्छा तो खैर जो है इनको भी मैंने दे दिया खाना, बाजरा दिया है बिल्कुल जो है ना। बड़े भूख लगी हुई थी इन सारों को। और असील जो है ना ये इनको भिगोई हुई रोटियाँ इनको दी हैं और बाकी जो है ना उनको भी मैं वो देता हूँ। वो भी ऐसे देखें बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी भूख लगी हुई है। जल्दी से इनका भी खाना निकालते हैं और उनको देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ इनको जो है अंदर ये इनको दे दिया यहाँ पे मैंने खाना और अभी खा तो रहे हैं वैसे सुकून से। अब ये वाइट वाला जो है ना ये अंदर ही रहेगा जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि बाहर जो है ना इसको बाकी असील जो है वो खाने नहीं देते। जैसे इन दोनों को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था ना, इसी तरह ये भी अब इन्हीं के साथ अंदर रहेगा। तो लड़ते वगैरह तो कोई नहीं है ये तीनों, क्योंकि बचपन से ही साथ हैं, पहले भी एक ही केज में बंद थे तो इसलिए जाना भी ये लड़ाई वगैरह नहीं करते। खाना खाने में मेल बांट के जाना खाते हैं। तो इनको दे दिया खाना इनका जो यार, कल भी जो है ना वो इनका बर्तन जो है वो पड़ा हुआ है, वो अंदर रखना मुझे याद ही नहीं रहा था। तो बेचारे जो है ना कल से मेरे खाने को प्यास लगी हुई नहीं है, तो इसलिए जल्दी से जो है ना पानी भी इनको भर के देना है। और यहाँ से अभी कल तो इन्होंने दे दिया था अंडा, अभी तो सामने कोई भी नहीं पड़ा हुआ। आज शायद ना दें, एक दिन छोड़ के शायद ये दे दें दोबारा, कल देंगी शायद। अभी तो कोई अंडा नहीं पड़ा हुआ, तो इनको भी जो है ना अभी जाके जल्दी से खाना देते हैं इनका। अभी तो यार मेरा दिल कर रहा है कि जो है ना इनको तीनों को जो है ना बाहर ही खोल दूँ आज, क्योंकि काफ़ी दिनों से अंदर बंद है। तो अगर ये बाहर का जो है थोड़ा सैर वगैरह कर लें आज के दिन, तो फिर कल जो है इनको दोबारा से जो है ना इन तीनों को जो हमारे गोल्डन बफ हैं इनको जो है ना दोबारा बंद करेंगे। और अभी दे देते हैं अपने वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनको, सील को दे दें खाना। इनका जो है ना मैंने यहीं पे जो बिछा दिया था ना, तो ये तीनों भी जो है ना यहीं से खा लेंगी। अंडा दिया या नहीं दिया? अंडा 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 नहीं यार, क्या मसला है, अंडे ही नहीं दे रही यार। हालांकि फीड भी खिला रहे हैं इनको अंडे वाली, फिर भी नहीं दे रही, पता नहीं क्या है इनको, क्यों नहीं दे रही यार तुम दोनों अंडे। हालांकि दो हफ्ते तो हो गए इनको यहाँ पे बंद किए हुए, अभी तो कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई तीनों की, दोनों की। या तो मुझे इस मुर्गे पे शक पड़ा है कि ये बूढ़ा हो गया है, अभी इस काबिल नहीं रहा कि जो है इनसे अंडे निकलवा सके, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। कोई नहीं यार, कोई भी जो है ना इनमें से ना सील अंडे दे रही है, ना हमारी है कुकू जो है वाइट वाली जो है स्नो हमारी, ना ये अंडे दे रही है, ना हमारी वो मिली फ्लावर जो है उसने कोई इम्प्रूवमेंट शो की है, सारे यूजलेस ही हैं यार, कोई भी अंडे नहीं दे रहा इनमें से। कब परसों ये जो आवाज़ें निकाल रही थी जैसे अंडे देने वाली हो, लेकिन अभी तक तो कोई अंडा नहीं दिया इसने भी, डिसअपॉइंटमेंट यार। चलो खैर खाना इनको दे देते हैं। हाँ बस तुम लोग जो है ना फ्री की रोटियां ही तोड़ना, कोई फ़ायदा ना करना है। स्नो इतना अरसा हो गया यार कोई अंडा ही नहीं दे रही तुम, अभी भी जो है यार कोई इतना टाइम हो गया यार, दे दो अब कोई अंडा तुम भी, ताकि तुम्हारे जैसे फिर और बच्चे निकलवाएं। कुकू यार समझा इसको कुछ, अंडे नहीं दे रही यार, जल्दी से इसे कह अंडे दे। ये भी जो है ना इनका पानी भर लें। और देखें वो जो अंदर वो मैंने रखा हुआ था ना जो अपने ये गोल्डन बफ के लिए जो पानी वाली जगह है, ये जहाँ पे अभी मैं पानी डाल रहा हूँ, या पिछली दफ़ा जो है ना जब ये पहले जगह खुली होते थे ना केज जो है ये बंद नहीं होता था, तो हमारी ये जो बड़ी वाली जो डक है ना वो जो सामने खड़ी हुई है वो जो है ना उधर अंदर जाके उसके अंदर बैठी हुई थी। क्योंकि वैसे तो ये पानी वाले जानवर हैं ना, मतलब पानी वाले बर्ड्स हैं, डक जो होते हैं तो पानी में रहना इनको पसंद होता था। यहाँ पे अब ये मैं ये इसलिए जो है ना मैं ये लेके आया था ताकि जो है ना यहाँ पे आके ये इसमें स्विमिंग करें इस टब में, लेकिन कभी भी जो है ना ये छोटी वाली दोनों डक ना ये बड़ी वाली जो डक है
ये जो है एक दफ़ा भी इसमें आके इन्होंने जो है ना स्विमिंग नहीं की, लेकिन एक दफ़ा मैं देखा था ये जो अंदर ये पानी वाला पड़ा हुआ है ना, ये वाला इसके अंदर जो हमारी सबसे बड़ी वाली डक है ना, वो अंदर बैठ के जो है ना बड़े मज़े से जो है ना खेल रही थी पानी के अंदर। तो अभी वो मैंने खोला है ना केज, इनको तीनों को बाहर निकाला है, तो डक जो है ना अभी फिर अंदर गई हुई थी। तो हो सकता है कि जो है शाम तक जो है दोबारा अंदर जा के पानी में जो है बैठ जाइए। ये यार पानी इनको अपने चूज़ों को दे दें, बेचारे कल से प्यासे हैं, इनको कल भी पानी रखना जो है ना याद ही नहीं रहा था। तो अंदर रहो ना, ये आ गया पानी आ गया, ये लो यहाँ पे रख के इनको आराम से अभी पी लेंगे। इनको बंद कर देते हैं और आप दे देते हैं अपनी यूनोफॉल को खाना, उनके सारों को बाकियों को दे दिया है, यही दो जो है ना रह गई हैं। पानी भी इनको मैंने दे दिया था। अरे हट जो, तुम लोगों का नहीं है, हर जगह पे मुंह मारने आ जाते हो यार। इन्होंने ऐसे जो है ना यहाँ पे रख के देते हैं, कब से ना ये सारे यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन जो है ना अंदर कोई नहीं जा रहा इनके पिंजरे में ना गिने फॉल के, क्योंकि वो जो है ना वो वाइट वाला जो मेल है वो इन सब को जो है ना मारता है, इसलिए उससे डरते तो हैं, तभी जो है ना अंदर की तरफ नहीं जा रहे थे। उनको खैर खाना डाल दिया, इनको मैं बंद कर देता हूँ ताकि बाहर निकल के फिर ना इनको मारना शुरू कर दें। हाँ खाओ, अभी तुम लोगों के लिए डाला है, आके खाओ। अभी ये कब से जो है पीछे घूम रहे थे, हालांकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैंने इनको रोटी डाल के दी है, भिगोई हुई थी, बाजरा यहाँ पे इनको दिया है, लेकिन नहीं फिर भी इन्होंने जो है ना दूसरों के खानों पे आके मुंह मारना होता है हर वक्त। और वैसे ये देखें, ये जो तीन मुर्गे ना, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ये तीनों का पैटर्न देखें ऊपर से तकरीबन सेम सेम सा है, मतलब ब्लैक है, उसके ऊपर हल्का सा जो है ना ऐसे गोल्डन सा आ रहा है। बस वो वाला जो मुर्गा है ना उसकी जो ऊपर ये गर्दन है, यहाँ से देखें सर जो है ना उसका थोड़ा ज़्यादा वाइट कलर का है, इन दोनों का सर जो है ना वो ब्लैक है, और ये वाली जो मुर्गी है ये तो भाई बिल्कुल ही जो है ना डिफरेंट की है सारों से, मतलब ये एक दो तीन चार पाँच छः और वो सात, ये सारे के सारे जो हैं ये ब्लैक कलर के हैं, ये बीच में एक अलग जो है ना डिफरेंट कलर की बनी है मुर्गी, पता नहीं ये किस पर चली गई है। कि इनकी जो माँ थी ना वो सेम इस तरह की थी, ब्लैक। ओहो तुम्हें क्या हो गया, चुप करके बैठो, पता नहीं वो चीखने लग जाता है। वो मैं बता रहा था कि जो इनकी माँ थी ना वो सेम उस तरह की थी, और बाप जो है वो इनमें से जो है ना किसी पे, मतलब कोई भी अपने बाप पे नहीं गया प्रॉपर, इनका बाप इस तरह मतलब ऊपर से वो काले रंग का था, बस ये छाती जो है उसकी ओर वाइट कलर की है, तो वो उस तरह के, तो इनमें से किसी का भी कलर नहीं गया, अपनी माँ पे गई हैं ये वाली दोनों मुर्गियाँ जो हैं बिल्कुल ब्लैक कलर की बनी हैं, और बाकी ये जो है ये पता नहीं किस पे गई है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट बनी है इन सब से। और यार ये भी जो है ना कोई अंडे नहीं दे रही, यहाँ पे भी कोई अंडा नहीं और यहाँ पे भी कोई अंडा नहीं, और पता नहीं अभी तो या तो अंडे खाने की आदत है तो सही इनमें से किसी को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अंडे दे भी रहे हैं, क्योंकि तो ऐसा थोड़ी हो सकता कि इतने ज़्यादा अंडे जो है वो मुर्गी खा जाए जो जिसको आदत है अंडे खाने की, तो ये जो है ना अंडे दे नहीं रहे, पता नहीं क्या मसला है। हालांकि यही एक तरीका होता है कि भाई अगर आपके मुर्गे मुर्गी अंडे नहीं दे रहे तो आप फीड दे दें उनको, हालांकि फीड खिला खिला के पूरा हफ्ता हो गया है लेकिन अभी तक जो है ना कोई इसमें आसार नज़र नहीं है कि जो है ना, पता नहीं अब इसमें इनका कोई और हल ही जो है ना वो ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होना, फिर इतना तो हमारे पास बच्चे भी नहीं आने इनके। तो कमेंट में जो एक भाई पूछ रहे थे कि जो ये पता नहीं बेंटम का पूछ रहे थे मेरे ख्याल में कि कितने का पेड़ आता है ब्रीडर पेड़, यार डिफरेंट प्राइस होती है, मेरे ख्याल में 4000 तक का मेरे ख्याल में आ जाता होता है जो ब्रीडर बेंटम का जो पेयर होता है ना, मेरे ख्याल 2000 तक की मुर्गी और 2000 का मुर्गा, मतलब ये आम रेट चल रहा होता है इनका, लेकिन इसे सस्ते भी मिल जाते हैं महंगे भी मिल जाते हैं, कलर कलर पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में कुकू, मेरे ख्याल में जो कुकू बेंटम है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है शायद, सही मुझे नहीं पता इनके रेट का, लेकिन 4000 मेरे ख्याल में जो है ना एवरेज रेट है इनके पेयर का।
तो खैर ये थी आज की मेरी वीडियो, मेरे को तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी अभी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मेरे चैनल पर आदमी सब्सक्राइब कर दें। नीचे कमेंट में ज़रूर बता दें आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।